लॉजिकल एग्रो ज्ञान में सभी दर्शकों का स्वागत है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी भी दबाइए। मैं आज आपको धान खेती में जो गवारा कीट पतंग होता है, ऐसा पुतला ये सब लगता है और वहाँ का उत्पादन कम होता है, इसके लिए मैं आज आपको ये औषधि जो है हमारे पास ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है स्टिकर और आप यहाँ देख रहे हो ये स्टिकर है एनपीके और एक किंग स्टार, इसका सूत्र भी वहाँ पर है, आप देख सकते हो वीडियो को स्लो करके, और किंग हंटर इसका भी सूत्र यहाँ पर है। ये दोनों औषधि के ऊपर जब हम स्टिकर मिला के डालते हैं, ये छः टंकी के लिए ये काम करता है, छः टंकी होता है इस औषधि, 16 लीटर टंकी, एक टंकी होता है यहाँ पर, और 6 टंकी के औषधि के लिए तैयार है। हम ये औषधि अच्छी तरह से आपने खेत बाड़ी में प्रयोग करेंगे, धान में प्रयोग करेंगे, तो वहाँ का जो धान का कीट पतंग है वो कीट पतंग पूरी तरह से साफ होगा और हमारा धान बहुत अच्छा होगा और वहाँ पर फल भी बढ़ेंगे, वहाँ पर हमारा बहुत नाफा होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर जो पानी बह रहा है वो पानी बहुत स्वच्छ है, सफा पानी है। इस सफा पानी को भी मैं यहाँ पर जाली का प्रयोग करके मैं इसको छान रहा हूँ और इसको शुद्ध करके मैं टंकी में डाल रहा हूँ। इसी करने से क्या होगा, हमारा जो छिड़कने का टाइम में जो नवजल होता है उस नवजल में ये वहाँ पर रुकावट आ सकता है, छिटने क्रम में वहाँ पर बहुत सफा पानी चाहिए और ऐसा कोई भी कौड़ दुर्गंध होना नहीं चाहिए। और इसको हम ऐसे करके रेडी करके वहाँ पर किंग स्टार एक पाता और 6 पाता मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और उस 100 ग्राम औषधि यहाँ पर मैं रख रहा हूँ किंग हंटर, और मैं इसमें 15 ml स्टिकर, 20 ml स्टिकर भी डालूँगा। एक घोल बना के मैंने एक जग इसमें इस टंकी में डालूँगा, वहाँ पर से मैं घोल रेडी किया और यहाँ पर एक जग में इस टंकी में डाल के अब ए में स्टिकर, ये स्टिकर एनपीके स्टिकर मिला के धान में छिड़ने वाला हूँ। और धान में ये अच्छी तरह से छिड़ने से हमारा जो धान में गवारा कीड़ा लाग रहा है और धान को नष्ट कर रहा है वो पूर्ण रूप से यहाँ से सखाब होगा, सफा होगा और मरेगा और हमारा धान का उत्पादन बढ़ेगा, धान बहुत अच्छा होगा, धान में बहुत सारे उत्पादन में वृद्धि आएगा। एक टाइम में इस टाइम में हलना चाहिए आपने तो धान का। हम आज हम यहाँ पर धान का रोपाई के बाद का समय हो रहा है, 20-25 दिन हो गया, इसके बाद में हम गुड़ मेल करके सब काम सफा करके आज हम ये औषधि भी डाल रहे हैं यहाँ पर। ऐसा औषध छोटा मोटा कीट पतंग और गवारो जो उसका गुभा होता है, जो मेन भाग होता है, मेन भाग का जो डंडी होती है उसमें एक कीड़ा लगता है और वहाँ पर वो कीड़ा ने उसको बेर बेर के उसको क्या करता है, ख़त्म करता है और आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। इसके लिए हम ऐसे करके औषधि रेडी करके हम जब इसमें छिटेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा तरह से काम होगा। आप देख सकते हो मैं अभी यहाँ पर छिटूंगा और ये हमारा धान है। अभी मैं यहाँ पर 6 गट्ठा में 6 टंकी का प्रयोग कर रहा हूँ और मैंने आपको औषधि भी दिखाया, किंग स्टार 6 पाता है 5 ग्राम का एक टंकी में और यहाँ पर 100 ग्राम किंग हंटर भी है और मैं इसमें स्टिकर भी डाल रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो अभी मैं इसमें ये औषधि डालूँगा और ऐसे करके हमने धान का जो गवारा जो समस्या है इसको हम अच्छी तरह से निर्मूल
कर सकते हैं और हमारा धान खेती का हम अच्छा कर सकते हैं। दर्शक बिन, आपको ये वीडियो कैसे लगे? यहाँ पर धान खेती है, मैं ये लॉजिकल एग्रो ज्ञान में कृषि संबंधी के बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो डालूँगा। इस वीडियो के मतलब से आपको आपके ही घर में व्यवसायिक बनाने का एक ज्ञान ये चैनल से मिलेगा। और आप कोई भी दूसरा आदमी का नौकरी करते हो और घर में कोई भी व्यवसाय करने का आइडिया नहीं है कृषि संबंधी का, तो आप ये चैनल से बहुत सारे आइडिया लेके आपका जो नौकरी का झंझट है वो भी त्याग के आप बहुत अच्छा सारा पैसा कमा सकते हो। अपने खेत में, अपने बाड़ी में काम करके आपने यहाँ का जो टेक्निकल नॉलेज है, कृषि का जो टेक्निकल लॉजिकल ज्ञान है, उसको आपने अपना के अपने यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। इसलिए हमने कितना सारा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कोई में इतना फालतू बात होता है उसको भी हम सब्सक्राइब करके अपना बनाते हैं और नोटिफिकेशन आता है और उसको देखते हैं, हेरते हैं, और हम कृषि का कोई भी ज्ञान है इग्नोर करते हैं। और बाद में हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। हमने जब ऐसा कृषि का भी कोई भी ज्ञान हम समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका कृषि का करने का मन होगा। और घर आंगन में आप कृषि करते हो तो आपके घर आंगन में ही पैसा आएगा। ये काम इतना आसान है, जो YouTube से पैसा आता है उससे भी आसान है, जो आपका नौकरी से पैसा आता है उससे भी आसान है। कृषि का पैसा अपने ही घर में, अपने आंगन में, अपने बाड़ी में आता है। थोड़ा मेहनत लगता है उसमें, मेहनत से भी बड़े जुक्ति से भी बड़े मेहनत, ये दोनों ही साथ होना चाहिए। इसलिए हम ऐसा कृषि का चैनल को एक दो चार ऐसा जो अपना जीवन का बहुत मेरुदंड है, अपना जीवन के बांचने के लिए जो कृषि होता है, जो खाद्यान्न होता है, जो तरकली सब कुछ होता है, ये बहुत जीवन का मेरुदंड है। इससे ही हम बन रहे हैं। जो खाद्यान्न होता है, जो वस्तु खाद्यान्न का जो चीज़ होता है, इससे हमारा जीवन हो रहा है, हमारा जीवन बन गया है, हमारा शरीर बन गया है। इसलिए हमको सब कुछ चाहिए। हमको मनोरंजन भी चाहिए, हमको गीत संगीत भी चाहिए, हमको पढ़ाई भी चाहिए, हमको यात्रा चाहिए, हमको धर्म चाहिए, सब कुछ हमको चाहिए। और सबसे पहले हमको कृषि का ज्ञान होना आवश्यक है, कृषि के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। अभी लॉकडाउन हो रहा है, अभी सभी आदमी का जागीर ये तो सब खत्म हो गया। अभी आदमी ने क्या कर लिया, जिसके पास खेत बाड़ी ये हु है, उसने आसानी से अपने ही बाड़ी में, अपने ही खेत में अनाज उपजा के घर में खा रहा है। उसका मुश्किल नहीं है, वो मेहनत कर रहा है, उसको पैसा भी किनने के नहीं पड़ेगा। कितना आदमी का सोचता है पैसा है तो हमारा पास सब कुछ है। कुछ समय के लिए होता है भाई साहब, सदा के लिए नहीं। आपने भी कुछ करना चाहिए जीवन में, कुछ करना चाहिए, वो भी कृषि। जो आदमी कृषि नहीं कर सकता है वो निकम्मा होके और फालतू काम में टिकटॉक बनाने, ऐसा बनाने, उसे बनाने, क्या क्या करने, कैसे करने, उसमें लगते हैं। वो भी कोई गलत बात नहीं है, इकला है। और मेन आपका क्या है, कोई आदमी ने आपको सोच लिया आपका जीवन में आप क्या कर रहे हो। कोई बोलता है राजनीति भी कोई व्यवसाय होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। टिकटॉक कोई व्यवसाय होता है? कुछ भी नहीं होता है। यूट्यूबर्स भी कुछ भी नहीं होता है। क्या बोलना चाहिए, मेरा ऐसा फैक्ट्री है, मेरा ऐसा थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस है, जहाँ से मैं कुछ चीज़ उत्पादन करता हूँ, ये आपको लिए आपके हमके जीवन में
होना चाहिए। दर्शक भी नहीं, आपको आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर आप ये का वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए कृषि संबंध का बहुत लॉजिकल और टेक्निकल वीडियो यहाँ पर डालूँगा और आपको बहुत फायदा होने वाला है। धन्यवाद दर्शक, आपने अंतिम तक ये वीडियो देख लिया, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। यहाँ पर आपको कुछ जिज्ञासा हो सकता है, ये नेपाल के चितौन सनौली के आसपास के खेत में हमने धान लगाया है और ये हाइब्रिड धान है और ये जगह है नेपाल चितौन जिला की चनौली का आसपास का फाटे और इसमें हमारा खेत है और हम इसमें धान खेती कर रहा हूँ। ये छोटा मोटा जानकारी है, लोकेशन जानकारी है। धन्यवाद।